Hi, and good afternoon. एक बहुत ही पॉपुलर विषय है, एक बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत पूछा जाता है, विशेष करके पीसीएस एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछा गया है। बायोम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके विषय में कई सारी भ्रांतियां भी हैं। बायोम शब्द की व्याख्या, जो उसका अर्थ है, जो उसका मीनिंग है, जो उसका नेचर एंड स्कोप है, उस पर पहले इंट्रोडक्टरी बात करेंगे आपसे, परिचयात्मक कुछ शब्द। बायोम्स पे कई प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप यूपीपीसीएस ले लो या आईएएस में भी पहले के प्रश्नों को ले लो, और बीपीएससी में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, तो ये बहुत ही पॉपुलर विषय रहा है। हरियाणा पीसीएस में भी, हालांकि इतना रेगुलर वो होता नहीं है पीसीएस का एग्ज़ाम, फिर भी पॉपुलर है, वहाँ भी पॉपुलर है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बहुत ही सामान्य विषय है जिसके विषय में लिखना थोड़ा इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि मान लो सवाना बायोम है, तो सवाना बायोम पर ही कई प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मॉनसून बायोम है, तो मॉनसून पर कई प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सवाना, ऐसा प्रश्न आ गया। एक तो है कि भाई सवाना के विषय में आप क्या जानते हैं, सवाना बायोम पर लिखिए। एक ही हो सकता है कि सवाना बायोम के समस्याओं पर लिखिए, वहां के पारिस्थितिक तंत्र पर लिखिए, सवाना बायोम में होने वाले मरुभूमिकरण की प्रवृत्तियों पर लिखिए, उसके कारणों को जागृत करिए। आने वाले समय में शायद ये जो आखिरी प्रश्न मैंने बोला, ये प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। और ये भी एक प्रश्न हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के परिप्रेक्ष्य में सवाना बायोम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या मानसून बायोम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमारा जो आज का ये कुछ 30-40 मिनट्स का जो ये हमारा इंटरेक्शन होगा आपसे, इसका उद्देश्य है कि हम आपको बायोम पर जो स्टैटिक पार्ट है, जो परंपरागत प्रश्न पूछे जाते हैं, या जो नवीन प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन पर बात करें। अब बायोम इतना बड़ा विषय है कि इस पर तो कम से कम 4 से 6 घंटे का पूरा लेक्चर चाहिए, लेकिन आज हम सिर्फ सवाना बायोम और मानसून बायोम दो पर ही बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस में भी यही उद्धृत है, विशेष करके बिहार के सिलेबस में। और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो कहीं ना कहीं घूम फिर करके सवाना पर ही है या फिर मॉनसून बायोम पर ही है। तो पहले तो बायोम क्या है, बायोम शब्द से परिचित हुआ जाए। एक शब्द है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र और बायोम में अंतर क्या है? पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है और बायोम क्या होता है? दोनों में मूलभूत कई अंतर होते हैं। जैसे सभी बायोम पारिस्थितिक तंत्र हैं, परंतु सभी पारिस्थितिक तंत्र कभी बायोम नहीं हो सकते हैं। दूसरा, बायोम की सीमा का निर्धारण संभव है, अक्षांश, देशांतर के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर हम लोग उसका क्षेत्रीकरण कर सकते हैं, रीजनलाइजेशन हो सकता है। जैसे मानसून बायोम है, तो उसको हम लोगों ने 18 डिग्री आइसोथर्म से, समताप रेखा से उसकी सीमांकन की जा सकती है। वैसे ही अक्षांश देखेंगे तो 30 डिग्री अक्षांश से मानसून बायोम का सीमांकन किया जा सकता है।
लेकिन पारिस्थितिक तंत्र का चूंकि कोई स्केल नहीं होता, कोई पैमाना नहीं होता, पारिस्थितिक तंत्र का स्केल नहीं होता, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि एक छोटा तालाब भी, एक झील भी पारिस्थितिक तंत्र है, और जैव मंडल भी एक पारिस्थितिक तंत्र है। जो बायोस्फेयर है वह भी एक इकोसिस्टम, और जो टैंक है, जो पॉन्ड है, पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम हो सकता है, छोटा लेक भी इकोसिस्टम हो सकता है। तो पारितंत्र और बायोम का स्केल का भी अंतर होता है, दोनों के पैमाने का अंतर होता है। मुझे आशा है कि इस वीडियो को आप एक दो बार और देखोगे तो और चीजें स्पष्ट होंगी। और तीसरा एक कंपैरिजन हो सकता है पारिस्थितिक तंत्र से, वो ये हो सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र एक फंक्शनल कॉन्सेप्ट है, एक प्रकार्यात्मक संकल्पना है, जिसमें जैविक और अजैविक दशाओं के म्यूचुअल इंटरैक्शन को, बायोटिक एबायोटिक जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके अंतर संबंधों को समझा जाता है, विश्लेषित किया जाता है, उसका साइंटिफिक स्टडी किया जाता है, वो इकोसिस्टम हो जाता है। तो इंटरैक्शन का मतलब क्या हुआ, अंतर संबंध का मतलब क्या हुआ, कि हर कंपोनेंट, हर संघटक एक दूसरे जीव को, या जीव फिर अजैव दशाओं को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, या जीव जीव को कैसे प्रभावित कर रहा है, या अजैविक दशाएं भी अजैविक दशाओं को कैसे प्रभावित कर रही है। तो ये जो इंटरैक्शन है इसको इकोसिस्टम कहते हैं। कहीं भी ऐसा कोई इंटरैक्टिंग यूनिट मिलेगा, ऐसा कोई फंक्शनल यूनिट मिलेगा, ऐसी कोई प्रकार्यात्मक इकाई होगी जहां जैविक और अजैविक दशाओं का अंतर संबंध होगा, तो उसे आप इकोसिस्टम कह सकते हैं। और इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिल, ऊर्जा का प्रवाह, वहां जो पोषक चक्र है, जो मिनरल खनिज साइकिल है, विभिन्न गैसों का साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। ये इकोसिस्टम अप्रोच ही बिल्कुल अलग है, बायोम से अलग हो जाता है। बायोम में क्या है, बायोम में हम लोग बायोम को कहते हैं कि स्पेशियल कॉन्सेप्ट है, यह एक प्रादेशिक संकल्पना है। प्रादेशिक संकल्पना का अर्थ क्या है, कि हम एक क्षेत्रफल विशेष का अध्ययन कर रहे हैं, और उस क्षेत्रफल में जो निहित जलवायु है, मृदा तंत्र है, और उस जलवायु मृदा तंत्र से के प्रभाव से जो वनस्पति तंत्र बना हुआ है, और वनस्पति तंत्र में जो इकोलॉजिकल सक्सेशन से क्लाइमेक्स की प्राप्ति हुई है, इसका अध्ययन बायोम है। बायोम के अध्ययन में प्राणी जगत का भी अध्ययन हो सकता है। तो बायोम में अगर हम प्राणी जगत के अध्ययन को भी संयुक्त करते हैं, तो फिर वो बायोम न होकर के वो हो जाएगा बायोटिक रीजन। अब देखिए, नेचुरल इकोसिस्टम फंक्शनल कॉन्सेप्ट है, जिसमें जैव अजैव दशाओं के अंदर संबंधों का अध्ययन है। बायोम एक क्षेत्रफलीय विचार है, एक स्थानिक संकल्पना है, जिसमें प्रदेश विशिष्ट के समरूपी जलवायु तंत्र में जो मृदा, वनस्पति और जो भी सिस्टम का, तंत्र का विकास हुआ है, उस पूर्ण तंत्र को, उस होल को बायोम कहते हैं। लेकिन बायोम को चिन्हित करने का जो सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया क्या है, वो है उसका वेजिटेशन। और उसमें भी वेजिटेशन में जो क्लाइमेक्स वेजिटेशन होता है, उसी को हम लोग बायोम को चिन्हित करने का प्रतिमान मानते हैं। जैसे मान लो हमने कहा सवाना ग्रासलैंड, तो सवाना घास है, वो किसी घास को डिनोट कर रहा है। जैसे हमने कहा विश्वतीय वर्षावन, तो वर्षावन जो शब्द है वो किसी वनस्पति के प्रजाति को इंडिकेट कर रहा है। हम लोग अगर कहते हैं शंकुधारी वन, तो शंकुधारी जो शब्द है वह किसी न किसी प्रजाति का बोधक है। यही समझना है आप लोगों को, कि जो वनस्पति के क्लाइमेक्स और वनस्पति के समूहन
का स्थानिक विश्लेषण करने वाला एक इकाई होगा, वह बायोम होगा। और उसी में एक बायोम, मैंने कहा ना, एक बायोम इकोसिस्टम भी हो सकता है। अगर उसी बायोम में हम लोग वहां के एबायोटिक, बायोटिक, जैविक अजैविक दशाओं का एवं म्यूचुअल इंटरैक्शन का, अंतर संबंधों का, उनके फंक्शनैलिटी का, उनके फंक्शन रिलेशंस का, प्रकारात्मक संबंधों का अगर हम अध्ययन करते हैं, तो इसका सिर्फ एक अर्थ है कि हमारा जो अप्रोच है उस प्रदेश को देखने का, वो इकोसिस्टम अप्रोच हो गया। तो अगर हम किसी प्रदेश को उसके फंक्शनैलिटी को देखते हैं, उसके अगर फंक्शनैलिटी को देखते हैं या फंक्शनल अप्रोच से देखते हैं, तो वो इकोसिस्टम अप्रोच हो गया। और अगर उसी प्रदेश को हम लोग क्षेत्र विशेष की संकल्पना और वहां के वनस्पति का जो दृश्य है, और विशेष करके वनस्पति का जो क्लाइमेक्स है, उसके आधार पर अगर उसका अध्ययन कर रहे हैं, वहां के वनस्पति के संरचना और क्लाइमेक्स का जब अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे बायोम। अब हमने कई बार क्लाइमेक्स शब्द पर बात कर ली। क्लाइमेक्स क्या है, तो एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं। क्लाइमेक्स बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड शब्द है जिस पर कई विवाद है, लेकिन अभी जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो है क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स, कि अगर जलवायु नियत हो और उस नियत जलवायु में, यानी जलवायु में कोई कालिक परिवर्तन न हो रहा हो, समय आधारित कोई परिवर्तन न हो रहा हो, तब वनस्पति का स्वरूप अपने जब अंतिम चरण में आता है, उस क्षेत्र के ऊर्जा, जल, खनिज, पोषक तत्वों के आधार पर वह वहां का क्लाइमेक्स होता है। सुंदर सरल शब्दों में देखो कि मान लो कि कोई डिन्यूडेड लैंड है, कोई ऐसा नग्न भूमि है जहां पे फॉरेस्ट फायर से या किसी कारणवश आग लग गया, अभी वहां पर कोई वनस्पति नहीं, वर्षा हुई तो सबसे पहले मॉस एंड लाइकेंस आएगा, जो आप क्या कहते हो, फफूंद या पता नहीं क्या हिंदी में कहेंगे उसको, तो मॉस और लाइकेंस जैसा वहां पे कुछ कुछ ग्रो करेगा। आप देखते होंगे आपके नलकूप के पास भी ऐसा कुछ ग्रो कर जाता है चट्टानों में। तो ये मॉस और लाइकेंस क्या होते हैं, कि किसी भी चट्टान से भी खनिज को प्राप्त कर सकते हैं, इनको मृदा की आवश्यकता नहीं होती है, ये चट्टान से भी अपना न्यूट्रिशन ले ले सकते हैं, ये मॉस और लाइकेंस होते हैं। कई बार तो ये वृक्ष के तने पर भी प्राप्त होते हैं, वहां से भी अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। और इस तरह के जो वृक्ष होते हैं या जंगल होते हैं, उसको इल्फवुड्स कहते हैं, इल्फवुड्स कहते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर उदाहरण भारत में भी है, हिमालय के सिक्किम हिमालय में हम गए थे तो वहां भी मैंने देखा था, इल्फवुड्स थे चारों तरफ। केरल में भी कुछ दिखा, इल्फवुड्स दिखा, जनरली ट्रॉपिकल रीजन में ही, जहां बहुत अधिक वर्षा होती है वहीं पर इल्फवुड्स मिलते हैं। खैर वो तो एक अलग विषय ही हो जाएगा। तो बायोम में हमने आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि क्लाइमेक्स क्या है। तो क्लाइमेक्स में आपको ये समझना है कि जैसे नग्न भूमि पर वर्षा हुई तो वहां पर मॉस और लाइकेंस आया, लेकिन आप देखोगे कुछ समयांतराल के बाद वहां पर धीरे धीरे घास का मैदान, घास आ जाता है, ग्रास। तो ये घास क्या है, ये पहला इसको सक्सेशन कहेंगे, यही इकोलॉजिकल सक्सेशन है, कि मॉस और लाइकेंस के बाद घास का आना। और जो मॉस और लाइकेंस है या जो घास का है, उसी को सीरल स्टेज कहते हैं या सीरी कहते हैं, SERE, उसी को सीरी कहते हैं। हालांकि इकोलॉजिकल सक्सेशन एक अलग विषय है जो आप लोगों ने शायद पढ़ा भी हो, और मैंने अपने इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के क्लासेस में इसको बहुत ही डिटेल पढ़ाया हुआ है। तो घास, मॉस और लाइकेंस के बाद घास, घास के बाद श्रब्स, झाड़ियां आ सकती है वहां पर, झाड़ियों के बाद वहां पर वृक्ष आ सकते हैं, और फिर अगर वहां पर ऊर्जा अधिक है, खनिज है, जल की उपलब्धता है, तब वहां पर संभव है कि काफी लंबे लंबे कठोर तने के वृक्ष आ सकते हैं। अब उस वृक्ष को रिप्लेस करके कोई अन्य वनस्पति वहां प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो वहां के इकोसिस्टम की जो उत्पादकता थी,
जो उसकी कार्य क्षमता थी वो अपने चरम पर पहुंच गई, इसीलिए वो क्लाइमेक्स वेजिटेशन कहलाएगा। जैसे विश्वतीय वर्षावन क्या है, वो एक वर्षावन में जाओगे तो जो टॉल ट्री हैं, जो हार्डवुड एवरग्रीन ट्रीज रहते हैं, ये सारे जो ट्रीज हैं इन्हीं को क्लाइमेक्स कहा जाएगा। सवाना में देखो कम वर्षा है, सवाना में खनिज मृदा की उत्पादकता भी कम है, तो कहीं ना कहीं सवाना का जो क्लाइमेक्स होगा वो घास का मैदान ही होगा, लंबे लंबे घास वहां पर होते हैं। तो ये है क्लाइमेक्स का कॉन्सेप्ट। अब बायोम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि वहां की वनस्पति और वहां का जो क्लाइमेक्स ऑफ वनस्पति है उसको देखना पड़ता है। अब बायोटिक रीजन और बायोम में क्या अंतर है वो भी समझाते हैं। बायोटिक रीजन और बायोम में अंतर है कि जब हम लोग बायोम में वहां के पारिस्थितिकी के अन्य इकाई जैसे एनिमल किंगडम, जंतु, वहां के जंतुओं का अध्ययन भी कर रहे हैं वनस्पति के साथ साथ, तो बायोटिक रीजन हो गया। हालांकि बायोम के स्टडी में भी वहां के जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर उसको साइंटिफिकली आप कहना चाहोगे तो वो बायोटिक रीजन कहलाएगा, न कि बायोम कहलाएगा। तो बायोम और बायोटिक रीजन में भी अंतर है, इकोसिस्टम बायोम में भी अंतर है। वैसे तो बायोटिक रीजन, जैसे एक और आपको बहुत ही सुंदर बात बताते हैं, अच्छी बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताते हैं कि बायोम्स आर एसेंशियली टेरेस्ट्रियल कॉन्सेप्ट। जो बायोम होते हैं वो टेरेस्ट्रियल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी पार्थिव कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो थल पर होते हैं। बायोम सिर्फ थल पर होगा, बायोम कभी भी महासागर में या किसी भी मैरीन इकोसिस्टम के लिए बायोम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कोरल रीफ सिस्टम, ये एक बायोम नहीं है। इंटरटाइडल फॉरेस्ट एरिया, इसको एक बायोम नहीं कहते हैं, ये बायोटिक रीजंस कहलाता है। यानी जो भी मैरीन इकोसिस्टम्स होंगे, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र होंगे, भले ही वहां पर किसी भी प्रकार के जीव हो, फिशिंग हो, सार्गेसो सी का भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, कोल्ड अपवेलिंग जोन्स का एग्जाम्पल हो सकता है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सभी बायोम के अंतर्गत नहीं आएंगे, इनको कहेंगे बायोटिक रीजंस। अब आपको समझना है कि भाई इकोसिस्टम क्या है, ये तो आपने सुना, बायोम क्या है, बायोम इकोसिस्टम और बायोटिक रीजन से कैसे अलग है। ओशियन में, महासागरों में बायोम नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि बायोम सिर्फ और सिर्फ एक टेरेस्ट्रियल संकल्पना है, ये एक पार्थिव संकल्पना है। ओके, अब एक और शब्द है, जैसे उसको कहेंगे नेचुरल रीजंस, प्राकृतिक प्रदेश क्या है। प्राकृतिक प्रदेश और बायोम में भी अंतर है। बायोम एसेंशियली टेरेस्ट्रियल कॉन्सेप्ट है जो कि वेजिटेशन और वेजिटेशन के क्लाइमेक्स के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है या डिनोमिनेशन किया जाता है या डिमार्केशन किया जाता है, यही आधार होता है बायोम का। लेकिन जो नेचुरल रीजंस हैं, नेचुरल रीजंस के क्लाइमेटिक बाउंड्रीज होते हैं, यानी अगर हम लोग क्लाइमेटिक स्टडीज को, किसी प्रदेश के जलवायु तंत्र को, वनस्पति तंत्र को, वहां के जंतु तंत्र को, वहां के मानव तंत्र को, यहां देखो ध्यान से सुनो, वहां के मानव तंत्र को, वहां के मानव के आर्थिक क्रियाओं को, तथा मानव के द्वारा उत्पन्न प्रकृति में जो उत्पन्न समस्याएं हैं, जो आपदाएं उत्पन्न हो रहा है, जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है इंसान, जो वहां का हैजार्ड्स है, इन सब का अगर एक टोटैलिटी में, एक पूर्ण के रूप में अध्ययन किया जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल रीजंस। जैसे नेचुरल रीजंस में ट्राइब का भी अध्ययन किया जाना चाहिए, बायोम्स के स्टडी में ट्राइब नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाना चाहिए। बायोम्स एक कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम का अध्ययन है बायोम्स,
लेकिन नेचुरल रीजन का मतलब है कि वहां के मूल प्रकृति में जो मूल निवासी हैं उनकी उनकी आर्थिक क्रियाओं का भी अध्ययन आवश्यक होता है। तो हमने आज आपको ये चार शब्द बताए। पहला शब्द क्या था हमारा, इकोसिस्टम क्या है। दूसरा शब्द क्या है, बायोम, जिस पर आज हम कुछ और भी बात करने वाले हैं, मॉनसून पे और सवाना पे बात करने वाले हैं। उसके बाद तीसरा क्या है हमारा आज का, आज का क्या था, बायोटिक रीजन, और चौथा था हमारा नेचुरल रीजन। आशा है कि आपको इस 10 मिनट के डिस्कशन में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बना होगा, आपने कुछ सीखा होगा। अब हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मॉनसून बायोम और सवाना बायोम ये दोनों हैं क्या, और दोनों में अंतर क्या है, और दोनों के वनस्पति में अंतर क्या है, दोनों के पारितंत्र में अंतर क्या है। तो चलते हैं, आपको हम पहले समझाते हैं कि ये दोनों बायोम की उत्पत्ति कैसे होती है और ये बनते कैसे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में इस विषय का बड़ा महत्व है और मुझे बहुत खुशी का अनुभव होता है कि भूगोल ऑप्शनल वाले लोग पीसीएस में बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर के आते हैं, और मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि बीपीएससी में भी टॉप 25 में 7-8 हमारे स्टूडेंट्स गए। यूपी पीसीएस में भी एक तो अरुण का कॉल आया था, रैंक 9 था, मेरे पास आया। बाकी लोग कुछ कॉल करते हैं नहीं करते हैं। चलो आपको दिखाते हैं कि बायोम्स का, बायोम्स में आपको दो बायोम दिखाना है मुझे। आप यहां देखो, ये स्कीमेटिक डायग्राम है जिसको हम लोग कहते हैं पैंजिया। ये बीच में पैंजिया मैंने डाल दिया जो कि कॉन्टिनेंटल मास है। ये तो ओशियन है, ये सारा ओशियन का भाग माना जाएगा, ये सारा का सारा ओशियन है। अब देखो और समझो, इस भाग से व्यापारिक पवनें आती हैं, और यहां भी ऐसा नहीं कि दूसरी तरफ नहीं, यहां भी 30 डिग्री के आसपास यहां पर ये व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है। यहां पर होगा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, यहां पर कहलाएगा साउथ ईस्ट ट्रेड, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। अब जब व्यापारिक पवने, आपको मालूम होगा कि व्यापारिक पवने ग्रीष्म काल में सर्वाधिक सशक्त होती हैं, तो ग्रीष्म काल में ही ज्यादा मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट करेगी, और हेडली सेल भी ग्रीष्म काल में ही ज्यादा सक्रिय होता है। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड और साउथ ईस्ट ट्रेड ग्रीष्म काल में ज्यादा एक्टिव रहता है, ज्यादा सक्रिय रहता है। तो ओशियन से मॉइस्चर का नेट ट्रांसपोर्ट करेगा इस रीजन पे, रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी पर करेगा। तो ए पे मान के चलो ऑन एन एवरेज 150 सेंटीमीटर वर्षा कर देगा, बी पर लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा करेगा, और सी पर 25 सेंटीमीटर वर्षा करेगा। तो व्यापारिक पवनों के प्रभाव से 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच तीन विभिन्न जलवायु तंत्र बनते हैं, जहां पर तीनों में ही ग्रीष्मकालीन वर्षा है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि व्यापारिक पवनें ग्रीष्मकाल में ही ज्यादा प्रभावी होती हैं। तो ग्रीष्मकाल में चूंकि प्रभावी है, तो ग्रीष्मकालीन वर्षा ए बी सी तीनों पर प्राप्त होगी, और शीतकाल में यही हेडली सिल है वो दक्षिण की तरफ शिफ्ट भी कर जाएगा सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण, और ये वीक भी हो जाती हैं ट्रेड विंड्स। तो चूंकि वीक है इसलिए शीतकाल में इतनी वर्षा की संभावना नहीं होती है, कुछ वर्षा हो सकती है लेकिन विशिष्ट दशाओं में ही वर्षा होती है। तो आप मान के चलो कि ये ए बी सी तीनों ही ग्रीष्मकालीन वर्षा का आधिक्य, वर्षा की अधिकता, समर टाइम मैक्सिमा और विंटर टाइम मिनिमा, यानी शीतकाल में यहां वर्षा की मात्रा कम होगी। अब ए क्या है,
ये कुछ नहीं है बल्कि मॉनसून है, यही मॉनसून का जलवायु प्रदेश है या मॉनसून बायोम का क्षेत्र यही होगा, यही बनता है मॉनसून बायोम। बी, भूगोल में देखो कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं होती है, भूगोल एक साइंस की तरह है, तो जब आप पवन दाब तंत्र पढ़ते हो तो पवन तंत्र समझ में आएगा, दाब और पवन तंत्र पढ़ते हो तो हेडली सेल सर्कुलेशन जो त्रिकोशिकीय त्रिविमीय संचरण है वो आपके समझ में आने लगेगा, और वो समझ में आएगा तो वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण तो फिर वहाँ मृदा का विकास, तापमान का वितरण, वर्षा का वितरण ये मृदा को प्रभावित करेगा, मृदा फिर वनस्पति, वनस्पति फिर बायोम, तो ये सब कुछ लिंक्ड है। हमने पीछे के बहुत सारे लेक्चर्स में आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आज तो सिर्फ बायोम का मुहूर्त है। अब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड के कारण ए हमारा मॉनसून बायोम है, बी हमारा सवाना बायोम है, ये सवाना बायोम है, और सी सी हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुभूमि हॉट डेजर्ट गर्म मरुभूमि का है, तो इसको हम लोग डेजर्ट बायोम कहेंगे, या इसको आप कह सकते हो हॉट डेजर्ट बायोम है, ये हॉट डेजर्ट बायोम है। तो आज ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, ट्रॉपिकल, या तीनों के तीनों ट्रॉपिकल बायोम्स कहलाते हैं, क्योंकि जो इक्वेटोरियल रीजन क्या है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ का जो ये बेल्ट है ये कहलाएगा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बायोम है या इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बायोम है। और ए में जाओगे ये हमारा मॉनसून हो गया, लेकिन ये ए बी सी तीनों ही ट्रॉपिकल बायोम्स कहलाएंगे। अब आपको याद रखना चाहिए, आप लोगों को शायद ज्ञात भी होगा या याद होगा, क्लाइमेटोलॉजी में मैंने पढ़ाया है कि ये जो सीमा है ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म शीतकालीन, शीतकालीन जनवरी का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा तभी ट्रॉपिकल कहेंगे। तो किसी भी ट्रॉपिकल बायोम में शीतकालीन में जनवरी का औसत तापमान कभी भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखना चाहिए। तो और ग्रीष्मकालीन तापमान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तापमान बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आपको समझना है कि जहां अधिक वर्षा है वहां पर वनस्पति भी सघन होगी, जहां थोड़ी कम वर्षा है वहां घास का मैदान होगा। 150 में क्या होगा, मॉनसून फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट क्या होता है, डेसीडुअस। क्यों डेसीडुअस है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन वर्षा है और शीतकालीन शुष्कता है, तो यहाँ पर डेसीडुअस यानी पर्णपाती मॉनसूनी वन होंगे, उसमें भी जो थोड़ा पूर्व की तरफ होंगे, इसमें भी हम लोग दो डिवीजन कर सकते हैं, पूर्व की तरफ यानी A1 तो यहाँ पर होगा आर्द्र मॉनसून, यहाँ पर A2 तो इसमें होगा शुष्क मॉनसून, आर्द्र पर्णपाती शुष्क पर्णपाती, A1 A2 में इसका वितरण कर लो, क्योंकि A1 में जाओगे तो 150 है और A2 में आओगे तो लगभग 75 to 100 है। इस तरह से और भी डिविजन्स किए जा सकते हैं इसके। तो ये हमारा जो बायोम है ये मॉनसून बायोम है, और मॉनसून बायोम में वनस्पति क्या है इस पर मैंने आपको कुछ शब्द बतला दिए। अब देखो समझना ये है कि वनस्पति अगर अधिक है तो वहां पर एल्बिडो की दशा क्या होगी, सूर्य तप का अवशोषण कितना होगा, ये दोनों चीजें समझने की आवश्यकता होती है। तो अगर यहां पर सूर्य तप का अवशोषण ज्यादा हो रहा है और वनस्पति जहां पर है तो वहां पर टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट मिलेगा, यानी जो ग्रीष्मकालीन तापमान का आधिक्य है वह आधिक्य अधिक से अधिक 32 डिग्री तक जा सकता है। जैसे आप देखोगे तो भारत में जो असम का बेल्ट है या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का बेल्ट है, केरल का बेल्ट है, तो ये सब जो जो पश्चिमी घाट का बहुत सारा क्षेत्र है, तो इन भागों में जो मॉनसून बायोम है वहां पर जहां वृक्ष हैं, सघन वृक्ष हैं, वहां पर 32 डिग्री तक तापमान जाता है। लेकिन मान लो कहीं पे आपने वृक्ष ही हटा दिया तो वहां पे तापमान 42 तक जाएगा, जहां घास के मैदान और वृक्ष एक साथ मिल रहे हैं वहां तापमान तो बहुत हाई जा सकता है, 48 तक जा सकता है। आप देख लो क्या हाल चल रहा है आजकल,
हम लोगों ने तो वनस्पति को हटा करके, वनस्पति के जंगल को हटा करके और कंक्रीट का जंगल बना दिया। खेती करने लगे और जमीन ऐसे ही सूखा पड़ा हुआ है। 52 से 54 डिग्री का तापमान हमने गया सिटी में देखा। हमारे गाड़ी में रीडिंग कर रहा था सेंसर, 54 डिग्री टेम्परेचर। आज की बात नहीं है, आज के कुछ 15-20 दिन पहले की बात है। तो ये बताओ कि इतना तापमान, सोच करके डर लगता है। दिल्ली में तो 44, 45, 48 ही है। तो उसका मूल कारण क्या है कि जहां भी वनस्पति को बिल्कुल विनष्ट किया जा चुका है। दिल्ली का तापमान फिर भी थोड़ा मॉडरेट है क्योंकि दिल्ली एक ग्रीन सिटी है और यहाँ थैंक्स टू शीला दीक्षित मैम, यहाँ पर बहुत सारा ग्रीनरी है दिल्ली के अंदर में, रिज एरिया है जहां पर। और अभी तो खट्टर साहब ने कमाल कर दिया, जो भारत का सबसे बड़ा सफारी है वो अरावली के ट्रैक्ट पर उधर गुरुग्राम के पास विकसित करने की बात कर रहे हैं वो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो दिल्ली का टेम्परेचर, गुड़गांव का टेम्परेचर बहुत ही मॉडरेट हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये तो यहाँ पे तापमान क्या होगा 18 से, यहाँ पर हम मान लेते हैं 18 से 32 डिग्री तक तापमान माना जाता है। अगर इस साइड में आओगे तो 18 से 42 हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा वेरिएशंस होगा। अब सवाना में आओ तो यहाँ घास के मैदान है, कहीं कहीं वृक्ष भी मिलते हैं। सवाना में कहीं कहीं वृक्ष भी मिलेगा। तो वृक्ष को कहते हैं बर्च, BIRCH, एक बर्च, एक बड़ा ही कठोर वृक्ष होता है जो कि पायरोफाइट्स होता है। पायरोफाइट्स का मतलब है कि सवाना के जंगल में अगर आग भी लग गया तो वृक्ष का एक पत्ता नहीं जलेगा। अद्भुत है ये, एडेप्टेशन है, ये नेचुरल एडेप्टेशन है वहां के वनस्पति का। तो सवाना में लेकिन तापमान मानसून की तुलना में ज्यादा होगा। इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि सवाना में वॉट, सवाना में तो भाई वृक्ष ही कम है, घास है, घास भी जल जाता है। तो जो जो यूज होता सूर्यातप का प्लांट्स के द्वारा, वेजिटेशन के द्वारा, वो तो होना नहीं। वो सब संवेदनशील ऊष्मा बन जाती है, हीट बन जाता है। तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा और यहाँ पर तापमान संभावित है कि 18 से लेकर 48 डिग्री औसत आने लगे। और ये तो आपका मरुभूमि ही है क्योंकि यहाँ पर जो पवने हैं, व्यापारिक पवने हैं, वो ऑफ शोर हो रही हैं, उपतटीय हो रही हैं। उपतटीय का मतलब होता है कि लैंड से सी की ओर जा रही हैं। तो यहाँ पर मॉइस्चर है ही नहीं। अब मॉइस्चर नहीं है, बहुत ही कम मॉइस्चर है, तो बहुत ही कम वर्षा होगी, वनस्पति का अभाव हो गया, मृदा भी सैंडी हो गया, बलुई मृदा हो गया, यहाँ पर रेड डेजर्ट सॉयल मिलने लगेगा। अब देखो क्या है कि यहाँ तापमान हो सकता है कि 18 से 56 डिग्री तक मिले। आपने सुना होगा कि अल अजीजिया लीबिया में जो जगह है वहाँ पर कितना तापमान है। ये सब छोटे मोटे फैक्ट्स तो हर जगह मिलते ही हैं। तो ये हमारा बायोम ए और बी, आज हमारा विषय यही होगा। अब हम चलते हैं बायोम ए पर। तो एक तरफ लिखते हैं मॉनसून बायोम। आपको जो हम चार्ट देने वाले हैं इसी के आधार पर आप अपनी भाषा का स्वयं विकास करें, क्योंकि हमने जितने भी क्लासेस लिए हैं अभी तक आपके, सब में हमने डिक्टेशन दिया। हमारा टीचिंग मेथड ही है कि हम सब कुछ लिखवाते हैं एक एक टॉपिक पर, एक एक विषय पर। आपके लिए नोट्स बनाने का भी कुछ वैसा स्कोप नहीं रहता है, सब तो हमने लिखवा ही दिया है, लिखवा देंगे आगे भी। तो आप देखो कि मॉनसून को एक तरफ रखते हैं और सवाना को दूसरी तरफ रखते हैं, दो बायोम्स को लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्लाइमेटिक यानी इसके जलवायविक विशेषताओं को, जलवायु विशेषताओं को देखेंगे दोनों तरफ से। तो जलवायु में सबसे पहले क्या होगा भाई, टेम्परेचर। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि किसी भी बायोम पे लिखने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो आपको लिखना होगा टेम्परेचर, रेनफॉल, उसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर सॉइल, फिर लिखना होगा वेजिटेशन, फिर लिखना होगा वहां का एनिमल किंगडम कैसा है। तो ये 5 पैराग्राफ तो आपका आना चाहिए, वहां के
पारितंत्र पे, वहां के जलवायु तंत्र पे। तो ये जब हम 5 पॉइंट लेंगे तो मॉनसून के सारे पारितंत्र का जो मूल फैक्ट है वो सामने आ जाएगा। इसके बाद, इसके पहले आप लिख सकते हो वितरण, अक्षांश, कितने अक्षांशों के बीच मिलेगा और वितरण क्या है इसका। तो अक्षांशीय वितरण भी पहले आप लिख सकते हो, या आप जलवायु तंत्र को लिख करके भी अक्षांशीय वितरण लिख सकते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लिखो कि टेम्परेचर क्या होगा, मॉनसून का टेम्परेचर क्या होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये 18 से 32 डिग्री ऑब्लिक 38 डिग्री तक आप इसको लिख सकते हो, तक ये प्राप्त होता है यहाँ पर टेम्परेचर। जबकि सवाना में हम जाएंगे तो वहाँ 18 डिग्री से 42 या 48 डिग्री तक टेम्परेचर मिलेगा। रेनफॉल पे आओ तो रेनफॉल 100 से 150 सेंटीमीटर्स तक रेनफॉल है। इसको कहते हैं 100 दिवसीय वर्षा, 100 दिवसीय वर्षा है, 100 डेज रेनफॉल क्लाइमेट भी कहते हैं, 100 दिवसीय वर्षा कहते हैं इसको। फिर मॉनसून में होगा कि ये मेनली जो मंथ है जुलाई अगस्त सितंबर, उसमें यहाँ वर्षा होती है। तो ये सॉरी जून जुलाई अगस्त और फिर सितंबर का तुम ले लो 10 दिन, तो यहाँ पर यही 3 महीनों में वर्षा होती है। इसमें एक दो फैक्ट और आप डाल सकते हो कि ग्रीष्मकालीन वर्षा है, ग्रीष्मकालीन वर्षा है और शीतकालीन शुष्कता है, शीतकालीन शुष्कता है, ग्रीष्मकालीन वर्षा है। तो रेनफॉल की इन दशाओं पे आप बात कर सकते हो सेकंड पैराग्राफ में। यहाँ हो सवाना में क्या होगा, तो कुल वर्षा यहाँ पर मिलेगी 75-200 सेंटीमीटर। ये सवाना का वर्षा का रेजीम होता है, 100 सेंटीमीटर से कम ही होगी। इस बात पर कोपेन ने भी लिखा है, थॉर्नफिट ने भी लिखा है, त्रिवार्था ने भी लिखा है। तो सारे विद्वान मानते हैं कि सवाना का मतलब ही है कि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा। यानी एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो आप लिख सकते हो कि सवाना और मानसून जलवायु की जो विभाजक रेखा है वह 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक होगा तो मानसून हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर से कम होगा तो वो सवाना हो जाएगा। यहां देखिए, फिर यहां पर इसको कहते हैं 40 दिवसीय वर्षा। ये 40 दिवसीय वर्षा है, यहां पर 40 दिन की वर्षा होगी। और यहां जो वर्षा होती है लेट होती है, यानी यहां पर वर्षा होगी आपकी जुलाई और अगस्त, इस महीने में यहां पर वर्षा होती है, लेट वर्षा होती है। पहले वर्षा तो मानसून में होगी और सवाना में उसके बाद वर्षा होगी। फिर वही बात है, समर टाइम मैक्सिमा एंड विंटर टाइम मिनिमा। ग्रीष्मकालीन वर्षा होगी विंटर्स में। अब आओ सॉयल पे, तो मॉनसून का मॉनसून में सॉयल कैसा होगा। तो जनरली यहां पर लैटेराइट सॉयल होता है, लैटेराइट सॉयल होता है, या लैटोसोल ग्रुप का सॉयल होता है, जिसमें कहीं कहीं रेड एंड येलो मिलेगा, रेड एंड येलो मिलेगा। तो लैटेराइट, रेड एंड येलो, ये सारा जो सॉयल है वो मॉनसून में मिलता है। अब सॉयल के लिए हम लोग सवाना में आएंगे, तो सवाना के सॉयल को कहते हैं ग्रूमू सोल। ये ग्रूमू सोल्स है, जहां पर शुष्कता ज्यादा होगी वहां पर ग्रूमू सोल्स मिलता है, नहीं तो फिर एल्फी सोल मिलता है, एल्फी सोल मिलता है। और एल्फी सोल वहां मिलेगा जहां जल जमाव है, जल जमाव वाले भाग में एल्फी सोल से मिल सकता है, ग्रुमू सोल्स मिलता है। तो ये सवाना की मृदा है।
एनिमल वेजिटेशन में आते हैं। आशा है आप लिख भी रहे होंगे और इस तरह से कंपैरिजन करने में आपकी आपके मेमोराइजेशन में भी अच्छा रहेगा। ग्रुमुसोल का क्या होता है कि इस मृदा में लवण की मात्रा उच्च होती है, तो ये सब ये जो मृदा है ना समाना का, ये बहुत ही कम उपजाऊ मृदा है, कम उपजाऊ मृदा है और ये बिल्कुल उपयोगी नहीं है उसके लिए। लैटराइट और लैटोसोल्स और रेड एंड येलो, इसकी उत्पादकता भी ज़्यादा होती है। यही कारण है कि मॉनसून के क्षेत्र में जन वन का विनाश ज़्यादा हो गया है, क्योंकि यहाँ कृषि योग्य भूमि के लिए मॉनसून के फॉरेस्ट को जलाया गया। अब आइए वेजिटेशन और एनिमल किंगडम पे देखते हैं। तो मेन तो हमारा यही है कि भाई वेजिटेशन किस तरह का है मॉनसून में, और यहाँ पर है हमारा मॉनसून, यहाँ पर हमारा है सवाना। वेजिटेशन कैसा होगा, तो यहाँ पर है फोर लेयर्ड स्ट्रक्चर, वेजिटेशन का फोर लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी चार संस्तर मिलते हैं वेजिटेशन के। कौन कौन से मिलते हैं, तो पहला है वृक्ष, वृक्ष है ये पर्णपाती कठोर तने के, पर्णपाती कठोर तने के वृक्ष मिलते हैं ये, तो ये पहला लेयर ऊपर का बनाएगा, इसको बोला जाता है छत्रक, छत्रक लेयर, छत्रक संस्तर का निर्माण ये करता है। वृक्ष है पर्णपाती कठोर तने का वृक्ष है, ये कैनोपी लेयर बनाता है सबसे ऊपर में। दूसरा लेयर इसका होता है बैम्बूज का, बैम्बूज का, केन का, ये दूसरा लेयर होता है। तीसरा इसमें इपीफाइट्स, इपीफाइट्स और लियाना भी होता है, हालांकि ये मूल रूप से विषुवतीय वर्षा वन में होगा लेकिन मॉनसून के फॉरेस्ट में भी होता है, कम होता है लेकिन वहां भी होता है। तो इपीफाइट्स और लियाना, लियाना एक प्रकार का लता है, क्रीपर है, जो मॉनसून फॉरेस्ट में भी मिलेगा। थर्ड है, और चौथा है जो अंडर अंडर ग्रोथ है, यानी जो घास है, यानी मृदा के सतह पर, चूंकि यहां पर मॉनसून बायोम में सूर्य की किरणें धरातल पर प्रवेश कर पाती हैं, इतने सघन वन नहीं होते हैं तो सूर्य की किरणें धरातल पर प्रवेश कर पाती हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो घास है वो उगेगा। तो ये विषुवतीय वर्षा वन में और मॉनसून में मूल अंतर यही होता है कि मॉनसून वन में धरातल पर मृदा में घास मिलेगा, लेकिन वर्षा वन में विषुवतीय क्षेत्र में घास या किसी भी प्रकार का कोई वनस्पति नहीं मिलता है। मॉस लाइकेंस मिल सकता है, बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत होता है, कीचड़ और दलदल मिलेगा, मार्शेज मिलेगा आपको। अब यहाँ आइए सवाना में क्या मिलेगा भाई, सवाना में थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तीन लेयर होगा। सबसे पहला लेयर तो होगा ट्री का ही लेयर है, जैसे विशेष करके बर्च, बर्च, पायरोफाइट्स, पायरोफाइट्स यानी जो जो जल जो आग से भी ना जले वो पायरोफाइट्स होते हैं। तो ये इस तरह का पहला लेयर मिलेगा आपको। आपने देखा होगा कि जिराफ मुंह लंबा करके ऊपर का वृक्ष खाते रहता है, तो ये वही वृक्ष हैं, बर्च वाले वृक्ष हैं, अर्धशुष्क वृक्ष होते हैं ये बहुत बड़े शुष्क काल को भी बिना समस्या के इनका ये टाइम पूरा कर लेते हैं। फिर है बी, बी में होता है सवाना घासेस, सवाना घास, इन घासों को एलिफेंटाइन कहते हैं, एलिफेंटाइन घास कहते हैं, यानी हाथी नुमा घास, हाथी नुमा घास होता है। ये घास बिल्कुल शुष्क होता है और इसमें पोषक तत्व
तत्व का अभाव होता है, ये इसका दूसरा लेयर बनाता है। पोषक तत्व का अभाव होता है, कोर्स घास होता है, यानी रफ घास होता है, कोर्स ग्रासेस है। ऑलराइट, फिर आपको देखना है नंबर थ्री में, सी। सी में आओ तो नीचे का लेयर फिर यहां, जहां पर भी जल का जमाव है वहां मॉस एंड लाइकेंस मिल सकता है, और जहां पर नहीं है वहां पे तो धरती सूख के फट जाती है सवाना में, लेकिन जहां पर थोड़ा जल है वहां पर मॉस और लाइकेंस मिलता है। तो यह है सवाना के वनस्पति के विषय में। अब चलते हैं इसके बाद एनिमल किंगडम पर। देख लो, लिख लो, आशा है कि आप भी उसी गति से लिख रहे होंगे। तो ये मॉस और लाइकेंस, फिर है आपका यहां हमारा फिर से वही मॉनसून, और यहां वही सवाना। अब आओ एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में यहां पर मेनली मिलेगा हर्बीवोर्स, जो विशाल हर्बीवोर्स हैं, विशेष करके हाथी, राइनो और गैंडा, जिसको हिप्पो कहते हैं। तो हाथी, राइनो, गैंडा, इस तरह का जानवर यहां विशाल हर्बीवोर्स मिलता है। जिराफ, जिराफ भी मिलेगा आपको। इसके साथ कार्निवोर्स भी मिलता है। तो कार्निवोर्स में, कार्निवोर्स में या मांसाहारी पशुओं में कैट फैमिली बहुत ही डोमिनेंट है, और कैट फैमिली में तो भारत में चीता था, चीता तो खत्म ही हो गया, एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडियन चीता, लेकिन वो जो बंगाल टाइगर्स हैं ये मिलेंगे। फिर गिर वाले क्षेत्र में गिर के लायन भी मिलते हैं। तो मॉनसून के जंगल में भी चीता, टाइगर, लायन, ये सब कैट फैमिली का सब मिलता है। हाइनास बहुत मिलता है, हाइनास मतलब लकड़बग्घा हुआ, तो लकड़बग्घा हाइनास मिलेगा आपको। सवाना में आओ, और सवाना में हम लोग देखते हैं एनिमल किंगडम को। तो यहां अभी दो ग्रुप बनाओगे, पहला ग्रुप बनाओगे शाकाहारी, दूसरा बनाओगे मांसाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी, तो शाकाहारी में आप यहां पर लिखो, एक लिस्ट बना सकते हैं यहां पर, जो भी शाकाहारी सबसे बड़े बड़े विशाल हैं वो सब यहां मिलते हैं। तो जो भी आपके मन में आए, आप डिस्कवरी चैनल भी देखते होंगे, ये तो पूरा लिख ही देना है। यहां भी हाथी, राइनो, गैंडा, जिराफ, लेकिन यहां पर डियर्स का बहुत बड़ा बड़ा झुंड मिलता है। डियर्स यानी हिरण, तो हिरण का भी मतलब अदर देन ऑल दिस, ये भी पूरा आपको वहां पर लिखना है। और डियर्स का पूरा मिलता है शाकाहारी में। बरोइंग एनिमल्स बहुत मिलेगा। बरोइंग एनिमल्स का मतलब होता है जो बिलकारी जीव है, बिलकारी जीव। यहां पर हर्बी होर्स में बंदर बहुत मिलेगा आपको, बंदर का बहुत सारा वैरायटीज मिलता है, और लेम्यूर्स और मंकीज एनिमल किंगडम में मिलेगा इसमें। तो मोर ऑर लेस वही सारे जीव हैं। मांसाहारी में वही वही लायन, कैट फैमिली का पूरा मिलेगा आपको, और जो भी हाइनास हैं और वाइल्ड डॉग्स हैं आप लोग तो निश्चित रूप से देखते होगे। तो ये सारा उठाकर यहां डालो, उसमें कुछ और एडिशन नहीं कर दो। तो ये सारा मांसाहारी आपका और शाकाहारी जीवों का समूह है जो वहां प्राप्त होता है। अब जो मूल प्रश्न है, ये तो एक इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ कि भाई मॉनसून में क्या क्या समस्याएं हैं,
तो पारिस्थितिक समस्याएं क्या है मॉनसून में, और फिर सवाना में क्या क्या पारिस्थितिक क्या क्या समस्याएं हैं, ये आपको देखना है। तो मॉनसून में अगर आप देखोगे तो आपको मन तो कर रहा है कि हम लिखवा दें, क्योंकि ये मूल विषय तो यही होगा, प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। तो मॉनसून में आपको हम की पॉइंट्स देते हैं, आप अपने भाषा में उसको विकसित करके लिखने का प्रयास करिए। तो सबसे पहला होगा वेपराइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट, वेपराइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल लैंड। यहां के जंगल का सबसे ज्यादा वेपराइजेशन किया गया, उसको आग लगा करके नष्ट किया गया, किस लिए? एग्रीकल्चर लैंड के लिए। दूसरा, इस क्षेत्र में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मिलेगा और दुनिया की लगभग लगभग 2/3 जनसंख्या मॉनसून बायोम में ही रहती है। तीसरा समस्या है यहाँ का झूम कल्टीवेशन, झूम कृषि, क्योंकि मॉनसून में ही सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या रहती है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, झूम कल्टीवेशन। चौथा यहाँ का समस्या है फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग। जब देखोगे तब जंगल में कहीं ना कहीं आग लगा ही रहता है, मलेशिया हो गया, बर्मा हो गया, फिलीपींस हो गया, वितरण पे भी हम बात करेंगे, फॉरेस्ट फायर। फिर पांचवा हो गया उपनिवेशवाद, मॉनसून के जो क्षेत्र थे वो उपनिवेशवाद के बहुत बड़े शिकार हुए। तो उपनिवेशवाद, यहाँ के संसाधनों के दोहन या विनाश के लिए बहुत बड़ा कारक है, यहाँ के बायोम के विनष्ट होने के लिए। जैसे इसमें आप उदाहरण दे सकते हो, बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो। एक हो सकता है माइनिंग, तो यहाँ पर सातवां पॉइंट हो जाएगा कि माइनिंग बहुत ज्यादा हुआ, उत्खनन से विनाश हुआ, छोटानागपुर का पठार हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, आप लिख सकते हो। और यहाँ पर और भी, जैसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन यानी रोपण कृषि। तो आप देखोगे कि मॉनसून की जलवायु ऐसी है कि यहीं पर होना है टी, इधर ही होना है कॉफी, यहीं होना है रबर, तो मूल वनस्पति को खत्म कर दिया गया। यहीं पर होना है सुगर केन, यही बेल्ट है कॉटन का। तो यहां पर आप देखोगे तो औद्योगिक क्या बोलेंगे, कृषि है, वो अभी यहीं पे ज्यादा विकसित है, यह भी विनाश का एक कारण है। तो मॉनसून बायोम की जो मुख्य चैलेंजेस हैं वो इस प्रकार की है, नाइन है। और फिर दसवां में तुम देखोगे तो इमारती लकड़ियां, इमारती लकड़ी, फर्नीचर वुड्स यहीं पे सबसे ज्यादा मिलता है, फर्नीचर वुड्स मिलता है, जैसे सखुआ, सागवान, शीशम, फिर है वाइट रबर वुड, लॉरेल, वाइट रबर वुड, और भी है लॉरेल। ये सारी की सारी जो लकड़ियां हैं वो इमारती लकड़ियां हैं, इसलिए यहां का दोहन भी आसान है। और आपको लिखना होगा कि पॉइंट नंबर 12 में या 11 जो भी है मॉनसून में, और यहां लिखना होगा कि चूंकि वृक्ष, चूंकि किधर से होगा, हर्ष होगा ना, चूंकि वृक्ष
आर फाउंड इन प्योर स्टैंड, प्योर स्टैंड में मिलते हैं, क्योंकि वृक्ष ग्रिगेरियस हैं। इसका मतलब हुआ कि एक ही प्रकार का वृक्ष झुंड में मिलता है, क्लस्टर में मिलता है। तो वहां पर मशीनीकरण, मशीनीकरण आसान है। मशीन लगाओ, पूरा का पूरा जंगल साफ कर दो। विषुवतीय वर्षावन में ऐसा नहीं होता है, वहां पर वृक्ष प्योर स्टैंड में नहीं मिलेंगे। एक झुंड में एक ही प्रकार का वृक्ष नहीं मिलता है, बहुत डाइवर्सिटी है विषुवतीय वर्षावन में, तो वहां मशीनीकरण नहीं कर सकते हो आप। और तेरहवां जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिप बिल्डिंग में, शिप बिल्डिंग में, जहाजरानी उद्योग में मानसूनी वन के ही लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। फिर चौदहवां है फायरवुड्स, क्योंकि मानसून सबसे सघन आबादी का है, सबसे ज्यादा सघन आबादी का है, तो ये सबसे ज्यादा पिछड़ा भी है, तो फायरवुड्स की तरह जंगल का। तो इस प्रकार से हमने आपको 14-15 कारण बता दिए हैं जिसके कारण मानसून के वन का विनाश हो रहा है। यानी जब भी कोई प्रश्न आए कि मानसून के पारिस्थितिकीय तंत्र एवं पर लिखें या उसके इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे लिखें, तो आप तुरंत जलवायु और मृदा वनस्पति ये सब एक पैराग्राफ में अरेंज करोगे और दूसरे पैराग्राफ में इन सारे फैक्ट्स को अपनी सुंदर हिंदी भाषा में आप लिख डालोगे। आगे देखते हैं, सवाना पे आते हैं। सवाना पे अगर आएंगे तो यहां देखो पारिस्थितिक समस्याएं क्या क्या है सवाना में। तो सबसे पहला तो यहां पर है जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर। इसको शायद हिंदी में दावानल कहते हैं, फॉरेस्ट फायर या दावानल। दावानल बड़ा ही खतरनाक होता है दावानल। क्यों ऐसा है? क्योंकि घास का, शुष्क घास है, शुष्क घास है, एक सिगरेट फेंक दो लग गई आग। तो शुष्क घास होने के कारण, तथा आपको यह भी समझना है कि 325 दिन वर्षा विहीन होने वाला है, ये वर्षा विहीन होगा, ये 325 दिन वर्षा विहीन क्षेत्र है, तो इतना लंबा सूखा काल है। तो इसका मतलब है कि यहां पर सूखा की समस्या भी विभत्स है, सूखा की समस्या। और तीसरा बहुत ही सरप्राइजिंग है आपके लिए कि फ्लड की समस्या भी बहुत ज्यादा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल सिर्फ 40 दिन में हो रहा है। 40 दिन में अगर 100 सेंटीमीटर रेन होगा तो बाढ़ तो आ ही जाएगी। आप देखते हो ना कि राजस्थान के भी कुछ सिटीज में अचानक से बाढ़ आ जाती है, कुछ भाग में राजस्थान के अचानक से बाढ़ आ जाती है। तो इसी तरह का फ्लैश फ्लड, इसी को हम लोग कहते हैं फ्लैश फ्लड, सवाना में आता है। और फ्लैश फ्लड से क्या होता है? मड फ्लो, पंख प्रवाह, पंख प्रवाह, मड फ्लो बनता है। तो सवाना की बहुत बड़ी समस्या है वहां का दावानल, वहां का सूखा, वहां का फ्लड। और चौथे में आओगे तो नंबर 4 में सवाना की सबसे बड़ी समस्या है हंटिंग एंड प्रेइंग, यानी शिकार करना। सवाना को क्या कहते हैं? बिग गेम कंट्री, क्योंकि सवाना के जीव जंतुओं के शिकार करने के लिए वहां पर लोग आते थे, तो इसको बिग गेम कंट्री भी कहते हैं। और पांचवा सबसे बड़ी समस्या है यहां पर डेजर्टिफिकेशन, मरुभूमिकरण। इसमें आपको लिखना होगा कि सहारा मरुभूमि या उष्ण कटिबंधीय मरुभूमि के पास अवस्थित है।
उष्णकटिबंधीय मरुभूमि के पास अवस्थित है। चूंकि ये पास में अवस्थित है इसलिए मरुभूमिकरण बढ़ते जा रहा है। क्यों मरुभूमिकरण हो रहा है? उसका कारण है शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून्स। जो सैंड ड्यून्स हैं, जो बालू का स्तूप है मरुभूमि के, वो पवन उसको धीरे धीरे सवाना के घास के मैदान की ओर ले जा रही है। तो मरुभूमिकरण हो रहा है। मरुभूमिकरण से जो सवाना का क्षेत्र जो मरुभूमिकृत हो गया है, आपको दिखाते हैं कि सवाना का क्षेत्र जहां पर जो मरुभूमिकृत हो गया, मरुभूमिकृत हो गया, उसको कहते हैं साहेल। वो सब साहेल क्षेत्र कहलाता है। विशेष करके सहारा से दक्षिण है ये, सहारा से दक्षिण। एक और समस्या है, जो भी पॉइंट नंबर है तुम ध्यान रखना है, जो भी पॉइंट नंबर है कि यहां के झील सूख रहे हैं, झील सूख रहे हैं, जैसे कि लेक चार्ड, चार्ड का केस स्टडी है। और अभी नाइजर, नाइजर बेसिन, नाइजर नदी के झील भी सूख रहे हैं। टिम्बक्टू का नाम सुने होंगे, तो टिम्बक्टू के पास के सारे झील जो पर्यटन से संबंधित झील थे वो भी सूख रहे हैं। तो सवाना की एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। वहाँ का बहुत बड़ा समस्या है, वहाँ का वाटर क्राइसिस। देखो, वाटर क्राइसिस, जल संकट सवाना का विभत्स रूप लेते जा रहा है। तो मरुभूमिकरण, जल संकट, फिर आपको याद रखना है कि वहां के पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के लिए सेरेंगेटी, सेरेंगेटी प्लेन्स को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है यूएन ने। सेरेंगेटी प्लेन्स को, ये केन्या और तंजानिया के भाग में फैला हुआ है। सेरेंगेटी प्लेन्स केन्या और तंजानिया, तो सेरेंगेटी प्लेन्स को आप देखो, समझो। मुझे विश्वास है कि अब आप इस योग्य तो हो ही गए होगे कि सवाना और मानसून के बायोम के विषय में आप दो शॉर्ट नोट, कम से कम 150 शब्दों के दो शॉर्ट नोट्स तो आप लिख ही दोगे। वितरण की भी बात कर लेते हैं कि वितरण कहां पर किस प्रकार से है। तो अगर हम लें यहां मानसून कहां कहां मिलेगा और सवाना कहां मिलेगा, इसके वितरण को देखें तो 10 डिग्री से 30 डिग्री ये पूर्वी तटीय बायोम है। सवाना क्या है, ये भी 10 से 35 डिग्री तक मिल सकता है, और यह भी, सॉरी, ये मध्य महाद्वीपीय बायोम है। ये जो है ये आर्द्र बायोम में आता है, ये आर्द्र बायोम में आएगा, और ये आता है उपाद्र बायोम में, ये उपाद्र बायोम में आएगा सवाना। मानसून में हम लोग इसको कहीं कहीं पे सूडो मानसून भी कहते हैं, यानी छद्म मानसून बायोम भी कहते हैं। जो छद्म मानसून होता है ये कहाँ है, ये है पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, मेडागास्कर, मेडागास्कर पर है, फिर पूर्वी ब्राजील पर है, फिर है गुआना, गुआना के देश, हम लोग तो ऐसे गायना पढ़ते हैं लेकिन हिंदी में गुआना रहता है, तो गुआना के जो देश हैं, सेंट्रल अमेरिका, ये सब सूडो मानसून का क्षेत्र है। लेकिन जो वास्तविक मानसून है
यानी उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू मॉनसून। ये क्या है? यह है इंडो चाइना पेनिनसुला। अरे जो बर्मा से लेकर के वियतनाम के बीच का भाग है, मलेशिया हो उसमें, थाईलैंड है उसमें, लाओस है उसमें, कंबोडिया है उसमें, तो ये पूरा इंडो चाइना कहलाता है। तो इंडो चाइना का भाग हो गया, आपका इंडिया तो है ही इसमें, भारत का प्रायद्वीप तो है इसमें, ये ट्रू बायोम्स में आता है, ये ट्रू मॉनसून बायोम है। और बाकी जो ये जो बाकी क्षेत्र मैंने बताया, ये सुडो मॉनसून बायोम है। क्यों सुडो कहते हैं, हम लोग बाद में कभी बात करेंगे। तो ये इसका वितरण है मॉनसून का। यहां पर आओ तो यहां तो जो है वो अफ्रीका में है, अफ्रीका के दोनों तरफ है, दोनों क्षेत्रों में, इसी अक्षांश के बीच में, अफ्रीका के दोनों तरफ है। 10 से 20 डिग्री नॉर्थ तक है इधर, और नीचे में जाओगे तो ये लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री तक मिलता है। अफ्रीका में ये दशा है इसकी। फिर इसमें तो एक और रह गया, ट्रू बायोम में नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित है। ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित है इसमें। तो ये आपका लिस्ट हो जाएगा मॉनसून का। यहां पर अफ्रीका तो मैंने बता ही दिया, अफ्रीका के साथ साथ ये मिलेगा आपका ब्राजील में। अब ब्राजील में तो भाई इसे कई नाम हैं, जैसे एक तो है कैंपोस, दूसरा है सरटाओ, तीसरा है सिराडो, चौथा है कटिंगा। तो मॉनसून के कई सारे नाम मिलते हैं। फिर है वेनेजुएला में, वेनेजुएला में इसको कहते हैं लानोस। ऑस्ट्रेलिया में इसे कहते हैं, आप सबके मुंह पे आ चुका है डाउन्स, लेकिन बिल्कुल गलत, डाउन्स टेम्परेट ग्रासलैंड है, बिल्कुल गलत आपने सोचा। एंड ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम है वही, वहां भी सवाना ही कहते हैं। उत्तरी जहां मॉनसून का बेल्ट है ना, उससे थोड़ा सा दक्षिण में आओगे तो वहां का जो आर्टेसियन बेसिन जो वहां का है, उस आर्टेसियन बेसिन के क्षेत्र में सवाना मिलता है। तो ये है हमारा मॉनसून और सवाना का वितरण। मुझे आशा है कि आज के इस हमारे प्रयास से हिंदी माध्यम के छात्र लाभान्वित हुए होंगे, और जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो विशेष करके इस विषय को नोट डाउन करेंगे और अपना नोट्स खुद डेवलप करेंगे, क्योंकि 99% नोट्स मैंने आपको लिखवाया है, तो एक मैंने आपको थोड़ा अच्छे वेलोसिटी से पढ़ा करके, समझा करके देखा है कि आप लिख पाते हो या नहीं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।